नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव खबर में। मैं हूं मनीषा तिवारी। आइए चलते हैं कुछ खास खबरों की ओर। विधायक श्रीमती उमा देवी खटिक नवनिर्मित भवन का भूमि पूजन करने दमोह पहुंची, जहां सड़क और पानी की समस्या को लेकर गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया और विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीते 10 सालों का हिसाब मांगा। वहीं उमा देवी खटीक ने जनता के विरोध प्रदर्शन को जायज मानते हुए बताया कि दमोह में सड़क निर्माण और पीने के पानी जैसे संबंधित कामों के लिए टेंडर ना होने से विकास कार्य नहीं हुए और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरा तो सतत संपर्क रहता है क्षेत्र में, और जब मैं रने गई तो वहाँ कुछ लोगों ने अपनी बात रखी। जो उनने बात रखी है वास्तव में जगह अच्छे है। हम भी प्रयासरत हैं कि वहाँ की जो सड़क की मांग है उनकी, वो सड़क बनना चाहिए। और सड़क की फाइल हम शासन में लेके गए और 40 करोड़ की हमने वो सड़क मंजूर करवाई, पर प्रॉब्लम हमें यहाँ जा रही है कि वो टेंडर नहीं लग पा रहे हैं। 4 बार टेंडर लगे और 4 ही बार निरस्त हो गए, 5वीं बार टेंडर लगाए। जबलपुर में दिव्यांगों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मालवीय चौक पर प्रदर्शन किया और कलेक्टर के माध्यम से अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और कहा कि विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा के साथ बेरोजगारी भत्ता के और रोजगार मिलना चाहिए। साथ ही दिव्यांगों को दी जाने वाली पेंशन को बढ़ाने के साथ साथ विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण दिया जाए। यही नहीं, उनकी मांगों को पूरा न करने पर आंदोलन और उग्र करने की धमकी भी दी। आज हम लोग पिछले कई सालों से शासन और प्रशासन को अपनी मांगों को लेकर अवगत कराते आ रहे हैं, लेकिन शासन और प्रदेश शासन इसके खिलाफ पूरा मौन है और कुंभकर्णी नींद सो रहा है। उसी के खिलाफ आज हम लोग अपना एक ज्ञापन, 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन लेकर कलेक्टर साहब महोदय को CM के नाम भेजेंगे, जिसमें हमारी मांगे सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बढ़ोतरी, विकलांगों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और विकलांगों को लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी आरक्षण दिया जाए। और अगर 2 दिन के अंदर हमारी CM साहब से डायरेक्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस या हमारे 2 दिन के अंदर आचार संहिता के पहले पहले हमारा ये निर्णय नहीं आता कि हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ गई है, हमारा बेरोजगारी भत्ता चालू हो गया है और हम लोगों की हमारी 5 सूत्रीय मांगें मान ली गई हैं, अगर ये नहीं आया निर्णय तो हम लोग तीव्र आंदोलन करेंगे और नोटा का चयन करेंगे। जबलपुर में 6 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नर्मदा भक्त के रूप में नजर आएंगे। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के मुताबिक राहुल गांधी सबसे पहले नर्मदा घाट पहुंचेंगे, जहां नर्मदा का पूजन करने के बाद कन्याओं और साधुओं की पूजा भी करेंगे और इसके बाद वो अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि 6 अक्टूबर को जबलपुर में प्रस्तावित रोड शो में राहुल गांधी जबलपुर शहर के 3 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। यही नहीं, रोड शो के अलावा राहुल गांधी गैर राजनीतिक सम्मेलन में शहर के बुद्धिजीवियों से भी मिलेंगे। कंचनपुर में पुराने रंजिश के चलते 3 लोगों ने एक किशोर पर चाकू से हमला कर दिया। किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल किशोर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 8 महीने पहले किशोर का हमलावरों से झगड़ा हुआ था, जिसकी रंजिश के चलते आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए लाइव खबर। नमस्कार।